the unit vectors parallel to the resultant of the vectors A is equal to 4i plus 3j plus 6k and B is equal to minus i plus 3j minus 8k is A 1 upon 7 into 3i plus 6j minus 2k, B 1 upon 7 into 3i plus 6j plus 2k, C 1 upon 49 into 3i plus 6j minus 2k, D 1 upon 49 into 3i minus 6j plus 2k. So we have to find unit vector parallel to the resultant of vectors A and B. First of all, we will find the resultants of A and B. Is the resultant is equal to A plus B. Here A is 4i plus 3j plus 6k and B is minus i, यहां पर माइनस देंगे, माइनस i प्लस 3j माइनस 8k. सो द रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू 4i प्लस k और माइनस का i, सो प्लस 3i बचेंगे. सो प्लस 3j प्लस 3j प्लस 6j प्लस 6k माइनस 8k, सो माइनस के 2k बचेंगे. वी हैव ऑब्टेन रिजल्टेंट एज 3i प्लस 6j माइनस 2k. सो वी हैव टू फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस रिजल्टेंट एज यूनिट वेक्टर्स इज इक्वल टू वेक्टर्स डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. सो वेक्टर r इज गिवन एज 3i प्लस 6j माइनस 2k डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फार्मूला x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. सो बाय पुटिंग द वैल्यूज 3i प्लस 6j माइनस 2k सेम लिखेंगे डिवाइडेड बाय सो x का स्क्वायर. सो x का वैल्यू जो है वो है 3 और y का 6 और z का माइनस 2. सो x का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर तो माइनस 2 का होल स्क्वायर. सो 3i प्लस 6j माइनस 2k अपॉन द स्क्वायर ऑफ 3 इज 9 एंड द स्क्वायर ऑफ 6 इज 36 एंड द स्क्वायर ऑफ माइनस 2 इज प्लस 4. सो द यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल टू 3i प्लस 6j माइनस 2k डिवाइडेड बाय 36 प्लस 4 40 प्लस 9 49. सो द अंडर रूट ऑफ 49 इज 7. सो 3i प्लस 6j माइनस 2k अपॉन 7. सो यूनिट वेक्टर इज ऑब्टेंड एज वी कैन आल्सो राइट इट एज 1 अपॉन 7 इनटू 3i प्लस 6j minus 2k. So the correct option will be A 1 upon 7 into 3i plus 6j minus 2k.